हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकारों को नई व्यवस्थाओं के लिए मजबूर कर दिया है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर अस्पतालों में बेड की समस्या हो। ऐसे में हमेशा की तरह अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले काम करने वाले मध्य प्रदेश शासन में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना अपने गृह नगर गड़ाकोटा के बागवान वृंदा आश्रम में की है, जहां कोरोना पीड़ितों के लिए बेड के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव भी लगातार मेहनत कर रहे थे, जिसका आज मंत्री गोपाल भार्गव ने शुभारम्भ किया है। देखा जाए तो आने वाले दिनों में यह कोविड केयर सेंटर कारगर साबित होगा। कोविड का बहुत तेजी के साथ में बहुत ही भयावह प्रभाव देखने के लिए देश भर में आ रहा, प्रदेश में और अपने पूरे जिले में भी। सागर में जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है या फिर जो प्राइवेट अस्पताल हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं और बेड की भी व्यवस्था नहीं है। मेरे पास में सागर जिले का कोविड नियंत्रण का और उसके सुपरविजन का प्रभार है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन मैंने जब बीएमसी का जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज उसका दौरा किया तो मुझे बड़ी निराशा हुई, और इसके फलस्वरूप मैंने तय किया कि जो लोग भटक रहे हैं, जिनके लिए कोई पूछ नहीं रहा है, हम इनकी जल्दी से जल्दी जाँच करवाएं, और यदि वो गंभीर हैं तो उनके हम इलाज की ऑक्सीजन इत्यादि की जो कुछ भी व्यवस्था है वो कर सकें। तो चूंकि एक ही स्थान पर सारी चीज़ें केंद्रीकृत करने से मुझे लगा कि शायद ये उचित नहीं है। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं, सब हेल्थ से अपने ये अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, इनमें बेड की भी व्यवस्था है, डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है, तो हम 200 बिस्तर 300 बिस्तर का अस्पताल ना चालू करके 30, 40 या 50 बिस्तर का अस्पताल शुरू करें, जिसमें जितने भी ऐसे मरीज जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, उनकी हम चिकित्सा की व्यवस्था अपने निकटवर्ती स्थान पर कर सकें। तो 3-4 दिन से कोशिश हो रही थी कि गड़ाकोटा में जो अभी फिलहाल खाली पड़ा है, जो वृद्धाश्रम है जिसका नाम बागवान वृद्धाश्रम रखा है उसमें, और उसके बाजू में एक नया बना है अभी अनुसूचित छात्रों के लिए छात्रावास, क्योंकि अभी छात्रावास बंद है, स्कूल में छात्र भी नहीं है, तो इस कारण से दोनों बड़े भवन हैं जिनमें लगभग 40 से ज़्यादा कमरे हैं, तो इन कमरों का उपयोग अपन एक कोविड केयर सेंटर के रूप में और प्राइमरी एड जितनी अच्छी से अच्छी हो सकती है इस सेंटर के रूप में विकसित करें। तो यही प्रयास है इसके पीछे कि वहाँ पर पलंग इत्यादि सबकी व्यवस्था है। गड़ाकोटा से प्रवीण सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।